सबसे पहले RDP का मतलब होता है राम धनुष प्रोडक्शन, इट्स एक्रोनिम फॉर राम धनुष प्रोडक्शन RDP, ठीक है। तो RDP भोजपुरी मीन्स जो राम धनुष प्रोडक्शन का एक ब्रांड है, मतलब RDP भोजपुरी। तो राम धनुष प्रोडक्शन से मतलब और भी गाने आए होंगे क्या, कितने गाने आए हैं क्या अभी क्या? तक अभी तक 14-15 सॉन्ग आया है, जो मेरा पहला सॉन्ग था पिया के प्रीति है, और उसके बाद जनी जा भरवा राजा, कोरवा में आजा रानी, इस तरह से और भी गाने। मैं प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या इनका एम क्या है, आगे की सोच क्या है, गाने रखेंगे और क्या क्या करना चाहेंगे प्रोडक्शन? तो मेरा मानना है कि कोई भी फिल्म या गाना जो होता है ना, समाज का एक आईना होता है, जिसके थ्रू लोग अगर किसी भी गाने को देखते हैं या फिल्म को देखते हैं, उसमें खुद को देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे गाने बनाओ जो समाज में कुछ अच्छा फीलिंग दे, कुछ अच्छा सीख दे। जैसे एक नींबू मिर्चा गाना है, उसमें कितना अच्छा मैसेज है कि भले ही पति बकलोल हो, भले ही वो थोड़ा दिमाग से कम भी हो, मगर वो प्यार करता है, तो उसको एक पत्नी कितनी अच्छे से मान सकती है, मानती है, मतलब कितना अच्छा मैसेज जा रहा है समाज में। तो कल होके अगर ऐसा कोई बंदा होगा, पति होगा, भले ही मन बुद्धि होगा, और उसकी पत्नी तो बहुत मानेगी ना, एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाएगा ना। सो दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डू, कि कुछ ऐसा गाने करूँ जिससे एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, समाज में कुछ अच्छी चीज़ें हो हमारी चीज़ें देख के, ये मेरा ऑब्जेक्टिव। प्रोडक्शन नींबू मिर्ची गाने लेके आए, तो मैं जानना चाहूँगा नींबू मिर्ची का गाना किस तरह का ख्याल आया आपको? बेसिकली एक दिन मैं मंदिर में गया था, वहाँ पे गया, शनि भगवान का मंदिर था, तो मैं और मेरा एक कलीग है रतन, वो हम लोग गए थे। तो वहाँ पे मैंने दो नींबू मिर्चा लिया, तो एक उसने अपने स्कूटर में बांधा और एक मेरे ऑफिस के गेट पे बांधा। तो फिर मेरे अंदर ऐसे, तो हालांकि मुझे मालूम था कि क्यों बांधा जाता है, फिर भी मैंने पूछा कि क्यों बांधा तुमने, तो उसने बोला कि इसको बांधने से नज़र नहीं लगता है। तो फिर मैंने उसको प्यार के कॉन्टेक्स्ट में सोचा, मेरे अंदर एक थॉट आया कि एक बकलोल टाइप का बंदा होगा, वो अपनी बीबी को बांधेगा और बीबी उसे पूछेगी आखिर आपने क्यों बांधा, तो बोलेगा कि माँ बोली है ना कि अगर इसको बांधने से नज़र नहीं लगता है, और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, इसलिए मैं सोचा तुम्ही में बांध देता हूँ तो तुमको कुछ नहीं होगा। तो ये थॉट इस तरह का मेरे अंदर आया था, उसी को मैंने वो गाने में कन्वर्ट करके सोचा कि कुछ अच्छे मैसेज दे सकते हैं। अच्छा, गाना आपने किसे गवाया और जो अदा इस पे जो फिल्माया गया उनके नाम बताइए सर? बेसिकली इसको, इस गाने को पूजा जी ने गाई है, पूजा श्रीवास्तव, और वो बहुत ही अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छा गाती है, और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू पूजा जी, आप भले ही नहीं हैं यहाँ पे, मगर हम दोनों के बीच में बहुत चीज़ें हुई भी थी, मतलब पॉजिटिव डिबेट भी हुआ था, मतलब रिलेटेड टू म्यूज़िक और भी चीज़ें थी, मगर वो बहुत ही अच्छे गाती हैं, और उनको भी ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा और थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर वर्किंग विथ अस। फिल्माया किस पे गया था सर, किस तरह से ऑनबोर्ड लेके आए फिल्माया गया? सब जो मेरे अंदर जो थॉट था, मतलब सोचा था, जिस तरह से उसी तरह से फिल्म आया। अच्छा, टिपिकल जो भोजपुरी गाने होते हैं ना, वो मैंने सुने हैं, मुझे उस तरह का धुन नहीं था, लेकिन अलग था, बहुत खूबसूरत था, कर्णप्रिय था। सो आर यू टॉकिंग अबाउट ऑडियो और वीडियो? सॉन्ग, म्यूजिक, म्यूजिक, यू आर टॉकिंग अबाउट म्यूजिक। तो कितनी कुछ मेहनत की और किस तरह से ये चीज आपने लाया, क्योंकि टिपिकल जो बजते हैं वो थोड़े से लाउड होते हैं, ये लाउड नहीं था। जैसा आपको बोला ना, कि मतलब मेरा मानना है कि डायरेक्शन इज नॉट हैंडलिंग द काम कैमरा और मैनेजिंग द पीपल, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, मतलब आप कैसे किसी चीज़ को, किसी थीम को पकड़ के उसको, चीज़ों को जोड़ते हो। तो मैंने मेरे अंदर ये मतलब थीम आया, तो मैंने एक राइटर हैं शेखर मधुर जी, बहुत ही अच्छा लिखते हैं, मेरे पिया के बेटे गाने को भी उन्होंने लिखा, तो मैं उनको बुलाया, उनको मैंने बताया कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा थॉट आ रहा है। तो फिर वहीं से ये चीज़ें आया कि मतलब उन्होंने, हम दोनों मिलके एक कुछ ऐसा सोचे और उन्होंने लिरिक्स ऐसा लिखा। अच्छा, प्रोडक्शन और क्या क्या फ्यूचर में क्या क्या करने वाली है, और कौन से गाने आ रहे हैं, या इसके अलावा गाने के अलावा क्या हिंदी गाने भी आएंगे, या फिर कुछ शॉर्ट फिल्म का जमाना चल रहा है, वो कुछ भी देखे, वो आपके प्रोडक्शन पे आएंगे? फॉर नाउ, मतलब अभी तो हम लोग भोजपुरी कर रहे हैं, मतलब, और प्लानिंग है, हाँ, हिंदी का प्लानिंग है, मैं सोचा हूँ, मतलब आफ्टर वी स्टेबल दिस चैनल, मतलब भोजपुरी को स्टेबल कर लेते हैं, फिर मोस्टली आफ्टर 3 or 4 मंथ्स की हम हिंदी भी करेंगे, हिंदी की तरफ जाएंगे, मगर अभी के लिए भोजपुरी को पहले जो चीज़ें कर रहे हैं उसको स्टेबल करने के बाद। वेब सीरीज़ का भी काफ़ी अच्छा दौर चल रहा है,
और आप में जिस हिसाब से देख रहा हूँ आपका डायरेक्शन तो बहुत पावरफुल है, बहुत खूबसूरत है, आपकी सोच भी अच्छी है, क्रिएटिविटी है, तो क्या आप वेब सीरीज की तरफ भी चलेंगे? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। बाय द वे थैंक यू कि आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और डेफिनेटली हम लोग वेब सीरीज़ की तरफ भी जाएंगे और भी करेंगे, उसमें भी कुछ अच्छा करेंगे। कलाकार का चयन कैसे हुआ, कलाकार कैसे ऑन बोर्ड आए थे? कलाकार ऑन बोर्ड कैसे आए, तो मैंने बोला ना, मेरे जो अंदर थीम था कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए था जो बगलोल वाला कैरेक्टर कर पाए, और एक ऐसी मतलब एक्ट्रेस चाहिए थी जो क्यूट वाला बिहेवियर है। तो मैं दोनों से मिला, तो रागनी में वो क्यूट वाला बिहेवियर है, मतलब बच्चों की तरह हरकत करना, मतलब क्यूटनेस दिखाना। और रतन जो है वो, मैंने दोनों का मतलब ऑडिशन भी लिया, मैंने उस थीम के अनुसार मैंने दोनों का ऑडिशन लिया, और दोनों मुझे जो पैरामीटर मैंने सेट किया था कि मुझे इस तरह के चाहिए, वो दोनों पैरामीटर में इन लोग सक्सेसफुल हुए, तो मैंने इसको इनका कास्टिंग किया। आपने कहा कि आपके पहले गाने कहीं 15-20 गाने हो चुके हैं, करेक्ट? कौन कौन सिंगर थे, किस किन सिंगर से गवाए आपने? और अच्छा, पहले मैंने जो सबसे मेरा पहला सॉन्ग था पिया के पिते, उसको मैंने आलोक कुमार से गवाया था, ममता रावत जी से गवाया था, और फिर उसके बाद बहुत सारे गाने, कोरबा में आजा रानी अंतरा सिंह से गवाया, फिर जनिजा भरवा राजा अंकिता सिंह से गवाया, फिर उसके बाद तोहर कातिल नजरिया नेहा राज से गवाया, मोहन राठौर जी से गवाया, इस तरह से बहुत सारे। आगे प्लान्स क्या है, क्या करने का प्लान है? बस कुछ अच्छा करना है, जिससे एटलीस्ट पहले होता है ना कि खुद का दिल जीत लो तो बाकी सब कुछ है। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा व्यू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चीज़ें मैटर करती हैं, मगर उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आप कर रहे हैं उसमें कितने पैशनेट हैं आप, जो आप कर रहे हैं उसमें आपको खुशी मिल रही है कि नहीं। अगर मुझे उसमें खुशी मिल रही है तो बाकी लोग भी एक दिन चीज़ों को समझ लेंगे। ऐसा गाना है जो फोर्ड गाना हो, जिससे भोजपुरी चलते हैं, और कहा कि आपके यहाँ पे लॉन्च करना है आपके वाली गाना, तो आप तैयार हैं? फुहर मीन्स नहीं समझा मैं, असली नहीं, ऐसा नहीं बोलने, हर चीज़ का एक लिमिट होता है जहाँ तक, क्योंकि देखिए अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हर चीज़ का क्राउड होता है, बोल्ड गाने की भी क्राउड है, और हर तरह का, क्योंकि अगर नहीं होता तो उल्लू आज इतना सक्सेसफुल क्यों होता? उल्लू और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं सक्सेसफुल हैं, मगर देखिए मैं बोला ना कि मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, मैं पैसा ही नहीं कमाना चाहता हूँ, पैसा जितना मुझे चाहिए उतना है मेरे पास, और ज़िंदगी खुशी के लिए पैसा ही जरूरत नहीं होता है, बहुत सारा पैरामीटर होता है। मैं चाहता हूँ ऐसा पैसा भी कमाऊँ। मैंने एक बड़े आदमी का मैंने इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि अगर आप लाइफ में ज़िंदगी मिली है तो दो कर्म तो जरूर करने चाहिए, एक तो जिस मिट्टी पर जन्म लिए हो उसके लिए कुछ कर जाना, और दूसरा जिस धर्म में आप हो उसके लिए कुछ कर जाना। ये दो चीज़ कर लिए मतलब उसके बाद आप कभी हार नहीं सकते हो। तो मैं बस ये दो काम करूँगा, मतलब कुछ ऐसे काम करूँगा जिससे मैं पॉजिटिव मैसेज देके, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे गाने आते हैं कि हस्बैंड गले बाहर देवरवा छापा मारा था, ये वो जो गाने हैं वो सब आते हैं मेरे पास, मगर अगर हम ये गाना बनाते हैं तो मैसेज क्या जाता है? एक हिंदू समाज में भाभी को माँ माना जाता है, लक्ष्मण जी थे वो सीता माता को माँ मानते थे ना, तो हम कैसा सोसाइटी बनाना चाहते हैं? एक ऐसा सोसाइटी जिसमें छिछोरापंथी दिखा रहे हैं कि उधर देवल जो चलता है भौजाई के साथ चालू है, वो दिखाना चाहते हैं कि ऐसा अच्छा कल्चर दिखाना चाहते हैं? वो दोनों तो अपने हाथ में ही है ना, तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा चीज़ें करूँ जिससे पॉजिटिव मैसेज जाए हमारी सोसाइटी को, हमारे से लोग इंस्पायर हो। मैं ये बोला ना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो चीज़ें टेस्टी होती है वो लोग ज़्यादा खाते हैं, मतलब करेला थोड़ा कम खाते हैं लोग क्योंकि बहुत कड़वा लगता है ना, मगर हेल्दी तो होता है। तो मेरे लिए सच बोलता हूँ कि मेरे और मेरे मैनेजर साहब के लिए बहुत चैलेंज है, मगर ये भी जीत लेंगे, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोलते हैं राम जी तो 14 साल के वनवास पे चल गए थे, हम भी कुछ करेंगे, स्ट्रगल है मगर इतना है कि हम जीतेंगे भी, और जब तक नहीं जीतेंगे तब तक हमारा स्ट्रगल चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, आप बताइए किस प्रकार से आप जुड़े हैं और आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं इस प्रोडक्शन के लिए? ये रामधनुष प्रोडक्शन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका ये RDP भोजपुरी, एक भोजपुरी को समर्पित यूट्यूब चैनल, और हम भोजपुरी भाषा में अच्छे गाने अच्छे कंटेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत भी हम कर रहे हैं,
काफ़ी कुछ गाने जो है ऑलरेडी पाइपलाइन में है, और पिया की प्रीतिया का बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ है, उसका मैसेज अच्छा है, बहुत ही पारिवारिक गाना है और उसकी धुन और उसकी सारी चीज़ें अच्छी हैं जो आमतौर पर भोजपुरी में कम मिलती हैं। तो हम उस तरह का काम करना चाहते हैं जिससे हमें भी गर्व हो, भोजपुरी की सेवा भी कर सके, और जो भोजपुरी को लेकर गलत मैसेज लोगों में आम शिक्षित वर्ग में फैला हुआ है उसको भी हम दूर करना चाहते हैं। अब बस एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर देना चाहूँगा। जी बोलिए। सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्शन हाउस एक प्रोड्यूसर से ही नहीं बनता है, डायरेक्टर से नहीं बनता, उसके एम्प्लॉय से बनता है। मैं बोला ना कि जब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जो जर्नी में निकला हूँ मेरे साथ कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं। उससे पहले तो स्ट्रगल लगता था कि नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है, मगर अब लगता है कि हम जीत सकते हैं और हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं, हंसते भी हैं उनके साथ मस्ती भी करते हैं, रोते भी हैं, सब कुछ करते हैं, मगर ये ज़िंदगी में बहुत मज़ा आता है। मेरे जितने भी टीम मेंबर यहाँ पे होंगे, आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी एंड मेकिंग दिस पार्ट ऑफ लाइफ ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच। मेरा एक गाना आ रहा है, मेरी प्रोडक्शन हाउस नींबू मिर्ची, और इस गाने को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट और गुड न्यूज़ है आपके लिए कि हमारा एक और चैनल क्रिएट हो रहा है, RDP भोजपुरी रिकॉर्ड्स, और उस पे भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगा। थैंक यू।